Hello everyone, welcome back to our gardening channel Green Bliss. I hope that you liked our previous videos. Friends, आज की वीडियो एक बहुत ही अच्छे ऑर्नामेंटल प्लांट के ऊपर होने वाली है जिसका नाम स्पाइडर प्लांट है. फ्रेंड्स, स्पाइडर प्लांट का साइंटिफिक नेम क्लोरोफाइटम कॉस्मोसम है और इसको कई डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है, जैसे रिबन प्लांट, स्पाइडर आईवी, हैन एंड चिकन एट्सेट्रा. स्पाइडर प्लांट एक एवरग्रीन प्लांट है. इसकी लीव्स बहुत ही शाइनी और बहुत ही अच्छी दिखती हैं. इसको हम लोग हैंगिंग बास्केट्स में ग्रो कर सकते हैं. हैंगिंग बास्केट्स स्पाइडर प्लांट के बहुत अच्छे लगते हैं. फ्रेंड्स, वैसे तो स्पाइडर प्लांट को ग्रो करना बहुत ईजी है. इसको ज़्यादा मेंटेनेंस और केयर की ज़रूरत नहीं होती है. बट ये मेरा सेकेंड प्लांट है. लास्ट ईयर जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट करी थी तो मैं भी एक प्लांट लेके आया था. प्लांट को लाने के बाद मैंने कई सारी वीडियोस देखी कि कैसे इसकी केयर करनी है, कहाँ पे रखना है, सनलाइट रिक्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, पानी कितना देना है. काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे और बाकी जगह नेट पे सर्च करा. उसके बाद मैं कई जगह लिख के आया कि इंडोर प्लांट है, इसको ऐसे रखना चाहिए, वैसे रखना चाहिए. तो मैंने क्या करा, इसको सीधे इंडोर प्लेस कर दिया अपने स्टेयर्स पे. सीढ़ियों पे इसको मैंने रखा अंदर की साइड में. थोड़े दिन बाद देखा इसमें खूब मैंने पानी डाला, रॉटिंग स्टार्ट हो गई इसमें, लीव्स इसकी ब्राउन होने लगी. फिर मैंने क्या करा, इसको सीधे लेके आया अपने टेरेस पे और खूब तेज़ धूप में रखा इसको मैंने, कि जल्दी मिट्टी सूख जाएगी और प्लांट ठीक हो जाएगा. स्टार्टिंग में कोई आइडिया ही नहीं था, मैंने भी गार्डनिंग स्टार्ट करी थी. तो फिर क्या हुआ ना, इस वो पेड़ मेरा धीरे धीरे बिल्कुल ब्राउन होता चला गया. लीव्स उसकी सनबर्न हो गया और नीचे से रॉटिंग हो ही रही थी, तो पेड़ मेरा ख़राब हो गया. फिर धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि कैसे प्लांट्स को सही से रखना है, तब मैं ये दूसरा प्लांट लेके आया. और इसके बाद ना इसमें से कई सारे बेबी प्लांट्स भी बने, जिसमें से मैंने एक दो को वापस किसी तरीके से प्रोपोगेट करना का भी ट्राई करा, तो एक में मैं सक्सेसफुल हो गया. ये जो प्लांट मेरा ब्लैक पॉलिथिन में लगा हुआ है, ये मैंने इसी प्लांट से प्रोपोगेट करा था. फिर इसके प्रोपोगेशन के भी कई सारे मेथड्स हैं. वाटर प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर ये जो बेबी प्लांट्स हैं इनको कट करके भी हम लोग सॉइल में लगा सकते हैं. प्लस इसका एक और बहुत अच्छा मेरे को जो मेरा फेवरेट है, वो मेथड भी मैं आपको लास्ट में वीडियो में शो करूँगा कि कैसे इसको मैंने प्रोपोगेट करा था. और आज मैं इसको ना आपको दूसरी लगा के दिखाऊंगा पेड़ को, कि कैसे इसको रिपोर्ट करना है और कैसे सॉइल होना चाहिए. तो यहाँ पे जो सॉइल मीडिया की बात करें तो मैं सैंड का यूज़ कर रहा हूँ. 10% या 20% आप पॉट के अकॉर्डिंग अपना सैंड भी, जो आपकी नॉर्मल गार्डन सॉइल है जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके पास राइस हस्क है तो थोड़ा बहुत वो भी यूज़ कर सकते हैं. और काफ़ी वेल ड्रेन मीडिया बनाए, पानी बिल्कुल रुके नहीं, अच्छी तरीके से सबको मिक्स करके बिल्कुल वेल ड्रेन मीडिया होना चाहिए. और सेमी शेडेड एरिया में प्लांट को प्लेस करना है, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है. मैं अपने इस प्लांट की एक हैंगिंग बास्केट रेडी करूँगा. मेरे पास एक प्लांट ये सीमेंट के बास्केट में लगा हुआ है, दूसरा मैं हैंगिंग बास्केट में लगा के अपने यहाँ नीचे जहाँ पे मैंने कई सारे मनी प्लांट्स हैंग करे हुए हैं वहाँ पे इसको हैंग करूँगा. इस प्लांट के लिए ये मैं ब्लू कलर की हैंगिंग बास्केट यूज़ कर रहा हूँ. इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्मॉल साइज़ की बास्केट है ये, पर ये प्लांट थोड़े दिन इसमें बहुत अच्छे से ग्रो करेगा. प्लांट की रूट बॉल से बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में लगाने से भी ना नीचे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम की वजह से प्लांट मरने लगता है. ऊपर की मिट्टी तो सूख जाती है पर नीचे पानी रहता है, पर ये इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हम लोग के खराब हो जाते हैं. तो छोटे पॉट्स ही यूज़ करा करें. ऐसे भले ही आपको जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी पर आपका प्लांट मरेगा नहीं. और ये मेरी बास्केट, अब इसमें फर्स्ट टाइम बहुत अच्छी तरीके से हम लोग वाटरिंग करेंगे. फिर इसको सेमी शेडेड एरिया में प्लेस कर देंगे. पहली बार आपको, जब भी आप कोई पेड़ लगाएं या फिर उसकी रिपोर्टिंग करें, अच्छी तरीके से पानी डालें. इससे जितने भी एयर बबल्स होंगे या स्पेसेस पॉकेट्स रह जाएंगी वो सब ख़त्म हो जाती हैं.
और ये हमारा एक हैंगिंग बास्केट रेडी है। अब बात करते हैं जो मेथड इसको प्रोपोगेट करने का मेरा फेवरेट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें से जो बेबी प्लांट है इसमें ऑलरेडी मॉइस्चर की वजह से रूट्स आ जाती हैं, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इसमें, पर ये रूट्स क्या है ज़्यादा मतलब इनको न्यूट्रिशन तो मिल नहीं पाता है, इसलिए काफ़ी स्मॉल हैं और वीक हैं। तो हम लोगों को कोई भी ऐसे ही एक पॉट ले लेना है छोटा सा, सॉइल रख के बस उसमें होल करके और इसको ये जो हमारा बेबी प्लांट है इसको इसमें प्लेस कर देना है। इसको कट नहीं करना है, सेपरेट नहीं करना है मदर प्लांट से। धीरे धीरे क्या होगा, ये इसको न्यूट्रिशन मदर प्लांट से भी मिलता रहेगा और ये सॉइल में भी इसकी जो रूट्स हैं ग्रो करने लग जाएंगी। बस बढ़िया तरीके से वाटरिंग करते रहना हम लोगों को रोज़, 5 to 7 days के बाद में ये जो रूट्स हैं ये अच्छी खासी इस्टेब्लिश हो जाएंगी। इसके बाद में हम लोग इसको अपने मदर प्लांट से सेपरेट कर सकते हैं और हमारा न्यू प्लांट रेडी हो जाएगा। इसमें प्लांट ख़राब होने का बहुत कम चांसेस रहता है, सर्वाइव कर ही जाता है। अब मैंने कई सारे प्लांट्स इसके ऐसे ही रेडी करूँगा मैं, 5 to 7 days के बाद में मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।